और आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लग गया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चंपई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान चंपई सोरेन ने जेएमएम पर जमकर हमला बोला। हम जैसा व्यक्ति के ऊपर जासूसी लगा दिया, कितना शर्म की बात है। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी नछार कर दिया है, उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की मौजूदगी में चंपई बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम से सियासी सफर शुरू करने वाले चंपई सोरेन पार्टी के साथ साथ गठबंधन सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे और 5 दशक के बाद पार्टी से अलग हुए तो जेएमएम पर हमलावर नजर आए। जो यहाँ आदिवासी का अस्मिता की बात है, यहाँ का मूलवासी का अस्मिता का बात है, हम इसीलिए हम चुना। यदि आज का समय में यदि हम संताल परगना सिद्धू कानू धरती को यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही हम बचा पाएंगे। बीजेपी में चंपई सोरेन का ग्रैंड वेलकम किया गया। इसको पार्टी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद मंच पर मौजूद दिग्गजों ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। ये चंपई नहीं है, ये आंधी है। जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा, ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। चंपई सोरेन काफी वक्त से नाराज चल रहे थे, जेएमएम पर अपमान का आरोप लगा रहे थे, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी और आखिरकार चंपई बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेएमएम में हुए अपमान पर भी अपनी बात रखी। कोल्हान में यदि गुआ गोलीकांड हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। कहां पर चलाया है? हॉस्पिटल रेड क्रॉस के अंदर में गोली चला के 8 से 10 आदमी को आज वहां पर शहीद करा दिया है। इसीलिए हम सोचा, आज झारखंड आंदोलन में बड़ा लंबा समय था मेरा, हर समय कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी पर गोली चलाया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन को अपने पाले में करके बीजेपी ने जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में और गर्माहट आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।